माय फ्रेंड, स्वागत है आपका रेल सिमुलेटर की एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। पिछले पार्ट में हमने है ना काफी सारी चीजें की थी और वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले है ना एक बार नीचे चल के हम मौसम देख लेते हैं कि मौसम कैसा हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बार लाइट को ऑफ कर देता हूँ और अपने गेट को ओपन करके मैं बाहर चल के देखूंगा तो मौसम आज बहुत ही साफ और क्लियर है। वैसे यहाँ पे है ना मौसम का भाई कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश और तूफान आ सकते हैं। ठीक है, तो पिछले पार्ट की बात करें तो भाई पिछले पार्ट में मैं है ना ये वाली 5 मुर्गियां लेके आया था, क्योंकि जो अपनी पहले वाली 2 मुर्गियां थी ना वो मर गई थी यार, उनका मेरे को पता नहीं था भाई क्या खिलाएं क्या पिलाएं, इस कारण अपनी पहले वाली 2 मुर्गियां मर गई थी और पिछले पार्ट में मैं ये वाली 5 नई मुर्गियां लेके आ गया था। ओके, इन सब के बाद मैंने यहाँ पे है ना मधुमक्खियों के लिए ये वाला बॉक्स भी बना दिया था, हालांकि मैं पिछली वीडियो में है ना मधुमक्खियां नहीं पकड़ पाया था। चलो कोई बात नहीं यार, आज की गेम प्ले वीडियो में शायद हम मधुमक्खियों को पकड़ लेंगे बड़ी आसानी से। ये वाला देखो यार, मैंने ये वाला बॉक्स बनाया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे है ना पौधे वगैरह उगाने के लिए ये वाली थोड़ी सी जमीन बनाई थी और इसमें मैंने एक वाटरमेलन का बीज भी उगा दिया था और एक पिछली वीडियो में मैं ये वाला कंपोस्टर भी लेके आया था, लेकिन इसका पिछली वीडियो में मेरे को पता नहीं था कि ये भाई कैसे काम करेगा कैसे नहीं। आज की गेम प्ले वीडियो में मेरे को इसका पूरा ज्ञान है, तो आज की गेम प्ले वीडियो में शायद हम इसका भी कुछ यूज कर पाएं। ठीक है, और पिछले पार्ट की बात करें तो पिछले पार्ट में शायद मैंने 1000 रुपए का लोन भी लिया था, वो भी शायद आज मैं चुकाने वाला हूं। ओके, तो ये तो हो गई भाई हमारे पिछले पार्ट की बात, अब हम आज की गेम प्ले वीडियो पे भी ध्यान दे लेते हैं। तो आज की गेम प्ले वीडियो में हमें क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मुर्गियों के पास जाके देख लेता हूँ कि मुर्गियों के पास दाना नहीं है भाई। एक तो हमें मुर्गियों के लिए ना दाना लेके आना पड़ेगा, और अभी पानी तो है भाई इनके पास, पानी तो काफी सारा है, पानी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मुर्गियों के लिए हमें दाना लेके आना है। उसके बाद मधुमक्खियां पकड़ने के लिए भी ये वाली जो जाली है ना इसके अंदर ये मेरे को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के अंदर मैं मधुमक्खियों को बैठा के लाने वाला हूँ। ओके, एक बार मैं सारी की सारी निकाल के यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि मैं आराम से गाड़ी में लोड कर सकूँ। ठीक है, अपने को मधुमक्खियां पकड़ के लानी है और जो अपनी मुर्गियां है ना इनके लिए अनाज लेके आना है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो पौधा उगाया है ना, सच्ची यार ये वाला तो मैंने देखा ही नहीं है, पौधा कैसे उगेगा। वाटर स्प्रिंकल को ऑन करेंगे तो 9 विंडमिल इन रेडियस, ठीक है शायद इसके अंदर है ना तभी पानी लग पाएगा जब हमारे पास विंडमिल होगी अपने रेडियस के अंदर, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, तो मैं आज शायद एक विंडमिल भी लगाने वाला हूँ, और विंडमिल बनाने के लिए ना मैं देख लेता हूँ कि क्या चीजें अपने को लगने वाली है। ये देखो भाई, मैंने बोला था ना यहाँ पे कभी भी मौसम खराब हो सकता है और बारिश होनी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं जल्दी से विंडमिल लगाने के लिए देख लेता हूँ अपने को क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, विंडमिल हमारी यहाँ पे है और इसको बनाने के लिए अपने को पूरे 150 मेटल लगेंगे, तो हमें 150 मेटल भी लेके आने हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आज मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, एक बार अपनी किताब को है ना मैं अंदर रख लेता हूँ और जल्दी से गाड़ी के पास चल के भाई गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही तगड़े वाली बारिश आ चुकी है। ओके, गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है, इसको बैक लेते हैं। और पिछले पार्ट में नहीं यार, ये शायद मैंने है ना ऑफ कैमरा अपनी गाड़ी को थोड़ा बहुत कलर भी कर लिया है, तो आप ये मत सोचना कि ये वाली गाड़ी कहाँ से आ गई, इसको है ना मैंने थोड़ा बहुत अपग्रेड करके थोड़ा बहुत कलर कर रखा है। ठीक है, तो अपने को है ना सबसे पहले तो यहाँ पे रुकना है और गाड़ी को रोक के ये वाली जो जालियाँ है ना इनको मैं सभी के सभी को गाड़ी के अंदर लोड कर लेता हूँ। ओके, ये सारी की सारी रख लेते हैं, इन्हीं के अंदर मैं मधुमक्खियाँ पकड़ के लाऊंगा। सबसे पहले तो अपने को है ना कोई छत्ता ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मधुमक्खियाँ मिल जाए हमें। ओके, तो ये वाली जाली है ना इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और क्या लेके आना है अपने को मधुमक्खियाँ पकड़ने के लिए, हमें ये वाला जो बी स्मोकर है ना ये भी लगेगा, क्योंकि अगर ये मैं स्मोकर नहीं चलाऊंगा ना तो मधुमक्खियाँ मेरे को काट सकती हैं। ओके, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। और क्या चीजें चाहिए अपने को, और सच्ची यार एक फसल के लिए ना मैं कोई फर्टिलाइज भी लेके आने वाला हूँ ताकि अपनी फसल मस्त उगे। ठीक है, जल्दी से गाड़ी में बैठ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ना लोन चुकाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं बैंक में जाऊंगा और लोन चुकाऊंगा। उसके बाद मैंने लोन वालों से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि जहाँ पे अपना जो जनरल स्टोर है ना उसी के पीछे कोई मधुमक्खियों का छत्ता भी है, तो वहां से आप मधुमक्खियों के छत्ते वगैरह भी तोड़ सकते हो। सबसे पहले तो मैं उन्हीं के पास चलता हूँ और उनका लोन चुका देता हूँ। चलो, गाड़ी अपनी भाग चुकी है, बहुत ही मस्त भागती है, और अब मैं ड्राइवर भी थोड़ा बहुत पक्का हो चुका हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, गाड़ी को मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ भगा भगा के। ओके, और यहाँ पे अपना बैंक है ना बिल्कुल कहाँ गया ये रवाड़ा है सच्ची। ओके, गाड़ी अपनी बैंक के सामने आ चुकी है, फटाफट नीचे उतर के भाई अंदर चलते हैं, मैं बहुत ही बुरी तरह से भीग चुका हूँ। और एक बार इस वाले गेट को भी बंद कर देते हैं ताकि थोड़ी सी शांति मिल सके भाई, बाहर बहुत ही ज्यादा तेज तूफान आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली मोहतरमा है और यहाँ पे हमने लिया था भाई ये वाला लोन लिया था, तो इसको मैं ना रीपे कर देता हूँ।
अभी हमारे पास 4,000 डॉलर हैं, तो रीपे करेंगे तो 3,066 रुपये हमारे पास बच चुके हैं। सारा का सारा लोन मैंने चुका दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अभी है ना एक बार जनरल स्टोर वालों के पास चलते हैं, इन्होंने ही बताया था शायद जो जनरल स्टोर है ना उसी के पीछे छत्ता है, तो एक बार मैं ना इससे बात कर लेता हूँ और इससे पूछ लेता हूँ कि हमें मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ पे मिलेगा। ओके, हमारी इस मैडम के साथ बात हो चुकी है और इसने मेरे को बताया है जो अपना जनरल स्टोर है ना उसी के पीछे कोई मधुमक्खियों का छत्ता मिलने वाला है। बाकी मैं एक बार जनरल स्टोर वालों से भी पूछ लूंगा। ओके, गाड़ी में बैठ चुका हूँ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जनरल स्टोर पे लेके चलते हैं सीधा गाड़ी को। हाँ, इस साइड जाना पड़ेगा। ओके, अब ठीक रास्ते पे हूँ मैं। ठीक है, तो जनरल स्टोर की मैंने लोकेशन लगा दी है, अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं भाई, मैं ना 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है ना इसके अंदर भाई 2 बिजलियों के खंभे टूट गए, जिस कारण हमारे घर पे 3-4 दिन लाइट नहीं आई और वाईफाई की तार तो भाई अभी तक भी नहीं जुड़ी है। तो ये देखो मैं वीडियो कब डाल पाऊँ। ओके, जनरल स्टोर पे मैं आ चुका हूँ और जनरल स्टोर पे जाके मैं जल्दी से बातचीत कर लेता हूँ और जो भी अपने को सामान लेना है ना वो भी मैं फटाफट ले लेता हूँ। ओके, जनरल स्टोर के अंदर चलते हैं और सारी की सारी चीजें मैं परचेज कर लेता हूँ। गेट बंद करके यहाँ पे चल के मैं देख लेता हूँ क्या क्या चीजें अपने को लेनी है। तो अपने को है ना बैग ऑफ वीट लेना है, एक अपनी मुर्गियों के लिए। वीट का भाई एक बैग तो ले लिया, मैं सोच रहा हूँ 2-3 बैग और ले लूँ। आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि अभी अभी मेरा मूड बन गया है कि मैं यहाँ से है ना एक फीमेल गोट और एक मेल गोट भी खरीदने वाला हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे है ना एक बकरा और एक बकरी भी खरीद लिया है क्योंकि अपने पास भाई पैसे की कमी नहीं है और जगह की भी कोई कमी नहीं है। तो यहाँ से मैं ये दोनों की दोनों चीजें बाय कर देता हूँ। ओके, परचेजिंग हो चुका है और अभी है ना मैं एक बार इस वाली मैडम से भी बात कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ कि छत्ता कहाँ पे है। ओके, ब्यूटी क्वीन ने हमें बता दिया है कि छत्ता हमें कहाँ मिलेगा। तो इसने बताया है वो वाला छत्ता है ना यहाँ पे ऊपर चल के वहां पे मिलेगा। एक बार जो अपनी बकरियां है ना, बकरियां देखो यार कितनी मस्त लग रही है, इनको मैं गाड़ी में बैठा लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे आ जाओ यार। ओके, पहले मेरे को शायद ये वाला सामान है ना ये वाला उतारना पड़ेगा, तो इसको उतार के इस वाली बकरी को यहाँ पे चढ़ा देता हूँ। अरे हो जा भाई इंपोर्ट, क्या हो गया, टू लोड लार्ज एनिमल अनलोड दी व्हीकल फर्स्ट। शायद अपने को है ना पहले इसको अनलोड करना पड़ेगा, तो ये सारी की सारी चीजें मैं एक बार नीचे रख देता हूँ। और अब अपनी बकरी को उठा के, अरे अरे एक मिनट रुक जा भाई, शायद ये नजदीक से चढ़ेगी। अब की बार यहाँ पे दबा के इसको ऐसे चढ़ा देते हैं। चलो हमारी एक बकरी अंदर चढ़ चुकी है, ये वाली शायद बकरी है। और अपना बकरा कहाँ पे गया भाई, हेलो कहाँ पे भाग गया भाई अपना बकरा। ये रहा ये रहा, इसको पकड़ के चलो भाई, तू भी आ जा अब जल्दी से। और मैं भी करना शुरू कर दिया इसने, जल्दी आ जा भाई जल्दी आ जा, अपने को काफी सारे काम करने हैं। और मौसम भाई बिल्कुल साफ हो चुका है क्योंकि अपनी बारिश जा चुकी है और तूफान भी जा चुका है। अब देखो यार बारिश के बाद अपने पहाड़ कितने मस्त चमक रहे हैं। तो जल्दी से अपने को ये वाली बकरी भी इसके अंदर लोड कर लेनी है। क्या हो गया यार, लोड क्यों नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है, अब शायद लोड हो जाए। चलो हमने दोनों की दोनों बकरियां इसके अंदर लोड कर दी हैं और अपने स्टर को बंद करके इनके लिए मैं ये वाला जो खाना लेके आया हूँ ना ये भी मैं फटाफट लोड कर लेता हूँ। मेरे को नहीं लगता कि ये सारा का सारा खाना इसके अंदर आ पाएगा। ओके, एक बैग मैंने रख दिया है और जो अपनी ये वाली चीजें हैं ना ये तो मैं कहीं पे भी रख दूंगा, पहले तो ये वाली चीजें ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ओके, ये वाला बैग भी भाई रखा गया, अभी हमारे 2 बैग और हैं, ये वाले भी मैं रख लेता हूँ। ये पता नहीं भाई रखे जाएंगे या नहीं, तो इसके ऊपर शायद मैं ऐसे ऐसे करके लिटा दूं। तीसरे वाला बैग यार रखा ही नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा टाइम हो गया मेरे को ट्राई करते हुए। तो एक बार मैं ये वाले बैग और ये वाली चीजें यहीं पे छोड़ देता हूँ और पहले जो अपनी बकरियां है ना इनको भाई मैं फटाफट है ना अपने फार्म पे छोड़ के आ जाता हूँ, उसके बाद ही मैं सारी की सारी चीजें ये वाली लेके जाने वाला हूँ। ओके, जल्दी से भाई फार्म पे चलते हैं। ओके, फार्म पे हम पहुंच चुके हैं, जल्दी से भाई बकरियों को उतारना है बस। अरे यार इतनी जल्दी क्या रहती है तुमको भागने की, जल्दी से आ जा। अभी हमारे पास है ना बकरियों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो एक बार मैं इस वाले कमरे में इनको रख देता हूँ। ठीक है, आ जा भाई यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और दोबारा से मैं गेट को बंद कर देता हूँ, वरना है ना ये बहुत ही जल्दी जल्दी निकल जाती है यहाँ से। अभी जो दूसरे वाली बकरी है इसको उतार के इसको भी मैं अंदर फिट कर देता हूँ। चल आ जा भाई, अब देखना यार वो दूसरे वाली निकल जाएगी भाई। अरे भाई तू भी अंदर आ, एक मिनट रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी। यार इनको कंट्रोल करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार, वैसे देखना यार अब दूसरे वाली चली गई। अरे भाई मैं तो इनको कंट्रोल करने में ही रह, तेरी ऐसी की तैसी।
अब की बार इसको मैं ना इतनी दूर छोड़ूंगा थोड़ा सा, ठीक है। और अभी जल्दी से मैं दूसरी को लेके आता हूँ। दूसरी कहाँ पे गई भाई? ये रही, अब वो दूसरे वाली निकल जाएगी भाई, क्या करें। ठीक है, इसको मैं लेके आ गया हूँ, और जल्दी से अंदर चल के इसको बंद कर दे भाई। क्या करूँ, आ जा आ जा आ जा आ जा। ओह चलो आ गई भाई, दोनों की दोनों बकरियां हमारी अंदर आ चुकी हैं, और ये काफी खुश हैं भाई अंदर आके। शायद इन्होंने मीटिंग वगैरह भी कर ली है, अभी शायद हमारे पास कोई बच्चे भी इनके आने वाले हो। तो इसको मैं ये वाला पट्टा इसका खोल देता हूँ, और यहाँ पे इनके लिए पानी और खाने की व्यवस्था कर देता हूँ। फटाफट बाहर चलते हैं और गेट को बंद करके, ये वाला जो वीट का थैला लेके आया था ना मैं, इनके लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसको यहाँ पे बंद करके और इसको यहाँ पे रख के, शायद अपनी एक बकरी नहीं यहीं पे है, दोनों की दोनों बकरियां। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए खाने का कर दिया है जुगाड़, और एक बार है ना पीने का जुगाड़ और कर देता हूँ। तो अभी अपने पास ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली मैं फुल पानी की भर लेता हूँ। चलो पानी अपना डलना शुरू हो चुका है, और पूरी की पूरी अपनी बाल्टी भर चुकी है। इनके लिए मैं पानी भी रख देता हूँ एक बार। ओके, पानी भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, और जो अपनी मुर्गी है ना, इनके लिए भी मैं खाना लेके आ चुका हूँ। तो इनके लिए मैं यहाँ पे है ना खाना भी खोल देता हूँ। अभी अपनी मुर्गियाँ भी आराम से खाना वाना खाती रहेंगी। तो चलो भाई दोबारा से ना मार्केट में चलते हैं, और मार्केट से मैं ना एक काम करते हैं भाई, पहले हम विंड मिल ही बना लेते हैं भाई, उसी के बाद पकड़ के ले आएंगे मधुमक्खियों को। क्योंकि जो अपना जनरल स्टोर है ना, वो हमसे काफी दूर है, और अपना हार्डवेयर स्टोर है ना, वो हमारे काफी नजदीक है। हार्डवेयर स्टोर भाई, ठीक है, तो हार्डवेयर स्टोर हमारे काफी नजदीक है। पहले एक काम करते हैं, हम विंड मिल ही बना लेते हैं, उसी के बाद हम मधुमक्खियों को पकड़ के लाएंगे। ओके, थोड़ा सा मैं रोड से भटक गया था, अभी सीधा रोड पे चलेंगे। एक मिनट भाई, थोड़ा सा आराम से, गाड़ी में बहुत ही ज्यादा दम है यार। देखो मैं बता रहा था ना, जनरल स्टोर अपना बहुत ही ज्यादा उस साइड है पहाड़ों पे दूर, और जो अपना हार्डवेयर स्टोर है ना, वो यहीं पे है। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज्यादा नजदीक है भाई अपना हार्डवेयर स्टोर। ये देखो भाई, आ भी गए इतनी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा घुमा के मैं देख लेता हूँ अपने को हार्डवेयर स्टोर से क्या क्या लेना था, मैं तो भूल भी गया वैसे। ओके, यहाँ पे गाड़ी रोक के फटाफट अंदर चल के भाई शॉपिंग कर लेते हैं। शायद हमें यहीं से ही जाना होता था ना। हाँ, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं। ये रहा भाई अपना शॉपिंग वाला एरिया। तो हमें चाहिए पूरे 150 मेटल, और एक मेटल नहीं, 50 मेटल अपने को $500 में पड़ रहे हैं। तो हमें चाहिए 150, तो $1,500 में हमें तीनों चीज मिल जाएंगी। तो ऐसे में 1 2 3, $1,500 में मैं 150 मेटल खरीद लेता हूँ। ओके, इसको चेकआउट कर देते हैं, और सारा का सारा मेटेरियल हमारे पास आ गया होगा। और सच्ची यार, अपने को फर्टिलाइजर भी तो लेना था, लेकिन यहाँ से भाई फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर भाई जनरल स्टोर से मिलेगा। एक बार मैं पैसे देख लेता हूँ, अपने पास टोटल $596 बच चुकी है। तो मैं और फालतू का खर्चा नहीं करने वाला, जल्दी से अपना जो मेटल यहाँ पे आ गया है ना, इसको मैं गाड़ी में लोड कर लेता हूँ। और दोबारा से भाई मौसम खराब हो चुका है, और बारिश आनी भी शुरू हो चुकी है। तो जल्दी से मैं सारा का सारा मेटल अपनी गाड़ी में लोड कर लेता हूँ। गाड़ी को ही आगे ले चलो भाई, क्या मूर्खों वाला काम कर रहा हूँ मैं भी। ओके, गाड़ी को यहाँ पे रोक के सारा का सारा मेटल लोड कर लेते हैं फटाफट। ओके, और ये वाला जो है ना, इसको भी मैं लोड कर लेता हूँ। ओ भाई साहब, क्या बिजली गिरी है यार पहाड़ों में। चलो कोई बात नहीं यार, वैसे डरने वाली बात नहीं है, वैसे डर तो लगता है थोड़ा थोड़ा सा। ओके, गाड़ी में बैठ के भाई जल्दी से मैं विंड मिल को कम्प्लीट कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास फसल वगैरह भी उग सके। देखना यार कितना खतरनाक मौसम हो गया भाई, 2 ही मिनट में मौसम खराब हो जाता है यहाँ पे। चलो एक बार चलते हैं फटाफट। ओ भाई ये वाली गाड़ी देखो यार कितनी तगड़ी है, अपने पास भी एक दिन ऐसी ऐसी गाड़ी होगी तगड़ी वाली। ठीक है, तो मैं लोकेशन लगा देता हूँ, अपने को यहाँ पे जाना है, फटाफट चलते हैं। देखना यार कितना ज्यादा मौसम खराब हो जाता है भाई, एक दिन में तीसरी बार बारिश आ रही है आज, दूसरी बार आ रही है सच्ची भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस गेम में। ओके, यहाँ से अपने को शॉर्टकट मारना है, और सीधा हम फार्म में पहुंच जाएंगे। तो मैं फार्म के काफी नजदीक आ चुका हूँ। देखना यार कितना ज्यादा तूफान है भाई, कुछ दिख भी नहीं रहा। वैसे अपनी गाड़ी की है ना, शीशे साफ करने की जरूरत नहीं है, बारिश में वो नहीं चलाते भाई भाई, पर उसकी जरूरत नहीं है हमारी गाड़ी में, क्योंकि शीशा है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ, और जल्दी से उतर के मैं विंड मिल का जुगाड़ कर लेता हूँ। मैं विंड मिल है ना एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ, क्या पता मैं दूर बना लूँ, और ये वाला जो पौधा है ना, उसके रेडियस में ही ना आए, तो फिर कोई काम की नहीं रहेगी विंड मिल। मैं यहाँ पे ही विंड मिल को बना लेता हूँ फटाफट। ओके, विंड मिल हमारी यहाँ पे है, और इसको मैं ना यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ओके, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, और जल्दी से इसके पास मैं गाड़ी लेके आता हूँ, और सारा का सारा मेटल इसमें लगा के विंड मिल को हम पूरी कंप्लीट कर देते हैं।
थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा। ओके गाड़ी को मैं इसके पास बिल्कुल ले आया हूँ और जल्दी से है ना सारा का सारा मेटल मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। तो मैंने 50 लगा दिया, 100 लगा दिया और विंड मिल हमारी बनने ही वाली है। ओके विंड मिल हमारी बन के कम्प्लीट हो चुकी है और यहाँ पे है ना इसका पंखा भी स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से अब मैं है ना ये वाला जो स्प्रिंकल है ना ये देख लेता हूँ कि स्टार्ट हो जाएगा या नहीं। तो इसको अपने को ई दबाना है। ओके और ये अपना स्टार्ट हो चुका है। आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर से पानी सा निकल रहा है, मतलब फुहारा सा निकल रहा है। ठीक है, तो अब अपनी फसल देखो भाई ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में ही हमारा वाटरमेलन लग के तैयार हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं भाई, बारिश को भगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जाके सो जाओ, शायद बारिश आपकी भाग जाए। तो यार मैं यहाँ पे जाके है ना सो जाता हूँ, क्या पता मैं सुबह उठूँ और बारिश अपनी भाग जाए। लेकिन अभी है ना ये सोएगा नहीं, क्योंकि 8 बजे से पहले भाई ये बंदा सोता नहीं है। इसको दोबारा से खड़ा करो और भाई दोबारा से काम पे लग जाओ। बारिश का क्या है, बारिश तो आती जाती रहती है। ठीक है, तो अब जल्दी से है ना मेरे को जनरल स्टोर पे जाना है और वहां से हमें फर्टिलाइजर और मधुमक्खियां पकड़ के लानी है। तो जल्दी से चलते हैं भाई। चलो जनरल स्टोर पे हम पहुंच चुके हैं और बारिश थोड़ी बहुत है ना अब कम हो चुकी है। तो अपने को है ना सारी की सारी चीजें जो मैं छोड़ के गया था ना वो उठानी है। यहाँ से मैं ये वाली चीजें उठा छोड़ के गया था, तो ये सारी की सारी मैं फटाफट रख लेता हूँ और मधुमक्खियां पकड़ने का भाई जुगाड़ लगा देते हैं। ओके यहाँ से ये वाला 20 मोकर है ना ये भी उठा लेते हैं, क्योंकि यही तो भाई सबसे काम की चीज है। चलो साइड में ही रख देते हैं। अपना जो एक और बैग है ना इसको भी मैं फटाफट गाड़ी में लोड कर लेता हूँ। और अभी है ना शाम के 6:27 हो चुकी हैं, तो अभी थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा और रात को तो भाई मेरे को दिखेगा भी नहीं। तो मैं फटाफट है ना ये देखो भाई शाम होने को चल पड़ी है, फटाफट से अपना सूरज छिपने को जा रहा है। मैं जल्दी से है ना मधुमक्खियां पकड़ लेता हूँ। ओके अपने को यहाँ पे चल के मधुमक्खियां, इसने बताया है कि जो मधुमक्खी है ना वो हमारे जनरल स्टोर के बिल्कुल पीछे है। तो एक बार मैं मधुमक्खियों को ढूंढ लेता हूँ अपने को कहाँ पे मिलेंगी मधुमक्खियां। यहाँ पे जाना है। ओके इसने बताया थोड़ा सा है ना ऊपर की तरफ। ओ भाई दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई मधुमक्खियां हमको दिख चुकी हैं। फटाफट नीचे उतर के और ये वाला जो 20 मोकर है ना ये वाला मैं, अरे भाई रुक जा एक मिनट, इसको उठा के और जो अपनी मधुमक्खियां है ना इनके नीचे लगा के इसको ऑन कर देना है। अभी ये है ना धुएं से अंधी हो जाएंगी और हमको काटेंगे नहीं। अंधी मतलब परमानेंट नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए अंधी हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं इनके ऊपर ये वाला 20 मोकर गिरा देता हूँ ताकि ये अपने को काटे ना। ओके इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ दोबारा से और जो अपनी ये वाली बी हाई फ्रेम्स है ना इनको लेके चलते हैं और जल्दी से भाई मधुमक्खियों को कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो भाई छत्ते से सारी की सारी मधुमक्खियां उड़ चुकी हैं। तो जल्दी से हमने है ना मधुमक्खियां पकड़ ली हैं। ये देखो इस वाली बी हाइव के अंदर कितनी सारी मधुमक्खियां आ चुकी हैं, मतलब बी हाइव फ्रेम में। ओके इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये देखो भाई एक फ्रेम में हमारे मधुमक्खियां हैं और दूसरे वाला खाली है। ओके तो मैं जल्दी से है ना ये वाला स्मोकर उठा के ले आता हूँ और ये देखना यार। ओ भाई एक मिनट, आज तो सोने पे ही सुहागा हो गया भाई। ये देखो हमको एक और छत्ता मिल चुका है, तो इसकी भी सारी की सारी मधुमक्खियों को मैं उड़ा लेता हूँ। तो जल्दी से मैं दूसरे वाली जाली लेके आता हूँ और इसके अंदर भी मैं मधुमक्खियों को बैठा लेता हूँ। अब पता नहीं दोबारा से इस वाले छत्ते पे कब मधुमक्खियां लगेंगी, तब लगेगी तो हम वो वाली भी चुरा ले जाएंगे यहाँ से। चलो भाई मधुमक्खियां हमने सारी की सारी यहाँ से उड़ा ली है और अपनी गाड़ी के अंदर अब काफी सारी मधुमक्खियां आ चुकी हैं। अब मैं भी है ना धीरे धीरे शहद को बेच पाऊंगा। ओके इसको कहाँ पे रखें, यहाँ पे रख देते हैं और जल्दी से मैं अपना स्मोकर भी उठा ले आता हूँ। चलो स्मोकर भी मैंने उठा लिया है, पहले तो इसको है ना बंद करना पड़ेगा, इसको बंद कर देते हैं। और जल्दी से यार एक बार मैं दोबारा से भी जनरल स्टोर पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि यार मैं है ना फर्टिलाइजर लेना भूल गया। तो जल्दी से एक बार अरे भाई यहाँ पे रखा जा, जल्दी से मैं फर्टिलाइजर और ले लेता हूँ ताकि अपनी फसल में जल्दी से बढ़ोतरी हो जाए। चलो दोबारा से जनरल स्टोर पे आ गए हैं और फूड फार्मिंग पे जाना है हमें। फार्मिंग पे जाके एग्रीकल्चर मेडिसिन भी ले लेते हैं भाई, शायद मेडिसिन भी हमारे काम आ जाए और फर्टिलाइजर भी ले लेते हैं। और एक मैं यार एनिमल पे जाके बकेट भी लेना चाहता हूँ, शायद अपने को बकेट यहाँ पे मिल जाएगी क्या, एक बार देख लेते हैं। नहीं भाई नहीं है अपने पास वो वाली बकेट, ये वाली चाहिए अपने को। ठीक है यहाँ पे, तो ये वाली मैं ले लेता हूँ ताकि ना ही तो अपनी बकरियों को दिक्कत हो और ना ही अपनी मुर्गियों को दिक्कत हो। तो मैंने एक बकेट उनके लिए खरीद लिया है। अब जल्दी से है ना खेत में जाने का टाइम आ चुका है। ये सारी की सारी चीजें है ना मैं लोड कर लेता हूँ। पहले शायद मेरे को ये वाली चीजें है ना भाई साहब काट लिया इन्होंने, पहले धुआं करना पड़ेगा उसी के बाद भाई इन चीजों को हाथ लगाना है। तो इस वाली चीज को ही छेड़ लेंगे भाई हम तो। ओके इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। सारी की सारी जगह है ना मैं एक बार ढंग से बना लेता हूँ इसके अंदर।
अभी सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ओके, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और अपनी चीज़ें कहाँ पे हैं, ये वाली जो वुडन बकेट है ना, इसको भी मैं फटाफट रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने मधुमक्खियों के ऊपर ही लगा दी। और ये वाली जो मेडिसिन है ना, ये भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। चलो, अपना सारा का सारा सामान गाड़ी में लोड हो चुका है, और जल्दी से भाई गाड़ी की लाइट वगैरह ऑन करके जल्दी से खेत में चलती है। चलो, गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, फाइनली हम अपने फार्म पे पहुंच चुके हैं, और पूरे भाई 8 बज चुके हैं। जल्दी से नीचे उतर के मैं भी अपनी लाइट ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे भाई जो अपना मैं फर्टिलाइजर लेके आया ना, इसको मैं अपनी फसल के अंदर लगा देता हूँ। और यहाँ पे अपना वाटरमेलन देखो भाई कितना बड़ा हो चुका है। चलो, फर्टिलाइज भी मैंने कर दिया है। अभी सुबह शायद धूप निकलेगी ना, तो अपने को शायद यहाँ पे एक वाटरमेलन मिल जाए। ओके, यहाँ पे है ना, अभी जो अपनी मुर्गी है ना, इनके लिए भी मैं पानी रख देता हूँ। पता चले कि अपनी मुर्गियाँ सुबह तक मरी मिले, तो यहाँ पे जो वाटर बकेट है ना, इसके अंदर मैं पानी डाल के छोड़ देता हूँ। ओके, और यहाँ पे चल के इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। और पानी भाई भर रहा है, ठीक है ठीक है, भर रहा है धीरे धीरे। ओके, पानी अपना पूरा भर चुका है, और मैं जाके है ना जल्दी से सो जाता हूँ। उसके बाद देखते हैं सुबह उठ के, शायद अपने को कोई वाटरमेलन लगा मिल जाए। ओके, मैं घर के अंदर चलता हूँ, और घर के भाई गेट वगैरह बंद कर लेते हैं। क्या पता यहाँ पे कोई जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और ये वाली लाइट ऑफ करके ये वाली मैं ऑन कर देता हूँ। चलो, यहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी हो चुकी है, और यहाँ पे तो पहले से ही मैंने बल्ब चला के छोड़ रखा है। ओके, यहाँ पे जाके सो जाते हैं, और सुबह उठ के देखते हैं हमको वाटरमेलन मिल पाता है या नहीं। तो सुबह के 7:52 हो चुके हैं। फटाफट उठ जा भाई, और जल्दी से देख के या कुछ हुआ भी है या नहीं। ओके, और ये वाला गेट खोल के चल के देखेंगे। तो अभी देखो सुबह सुबह कितना मस्त सा मौसम हो जाता है यहाँ पे। सबसे पहले तो जो अपनी गाड़ी है ना, इसकी लाइट मैं बंद कर देता हूँ। ओके, और जल्दी से नीचे उतर के देख लेते हैं। नहीं यार, अभी तक हमारे पास वाटरमेलन नहीं लग पाया, क्योंकि शायद है ना इसके ऊपर धूप पड़ेगी तभी ये 100% हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये वाला जो बक्सा है ना, इसके अंदर मैं जो भी मधुमक्खियां लेके आया हूँ ना, सारी की सारी इसके, ओ भाई, हाथ लगाने से पहले भाई ये वाली चीज हमें है ना हमेशा ध्यान में रखनी है, वरना है ना आपकी डेथ भी हो सकती। भाई इसको सच्ची ऑन करना पड़ेगा यार पहले। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं दोनों के दोनों यहाँ पे धुआं सा मार देता हूँ इनके ऊपर। ओके, इसके ऊपर भी लगा देते हैं, और इसके ऊपर भी लगा देते हैं, और इसको एक बार यहीं पे रख देता हूँ मैं। और इसको चल के अपना जो ये वाला बॉक्स है ना, इसके अंदर मैं फिट कर देता हूँ। यहाँ पे एक और है, इसको भी जल्दी से उठा के, और इसको भी मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। चलो भाई, हमने है ना यहाँ पे मधुमक्खियाँ रख दी हैं, और 1% हमको शहद भी मिल चुका है। और यहाँ पे जाके देखेंगे तो 1% ही है, दोनों में है ना 1-1% शहद हमको मिल चुका है। इस वाले बक्से को अब बंद कर देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमको कितना सारा शहद मिल पाता है। और एक बार मैं इस वाले स्मोकर को भी बंद कर देता हूँ। हो जा भाई, हो गया हो गया, ठीक है। एक बार अंदर चल के अपनी बकरियों को भी देख लेते हैं कि अपनी बकरियों का कैसा हाल है। तो बकरियां भी भाई अपनी बिल्कुल ठीक हैं, और इनकी हेल्थ भी ओके है। और यहाँ पे चल के देखेंगे तो इस वाली, ये शायद फीमेल है, इसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। तो चलो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमारे पास है ना धीरे धीरे बहुत सारी बकरियां और मुर्गियां आने वाली हैं। और अभी है ना, एक बार एक मिनट रुको, सच्ची ये वाले जो अपनी मुर्गियां है ना, इन्होंने काफी सारे अंडे यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनको मैं ना एक बार कलेक्ट कर लेता हूँ। एक अंडा तो ही मिला भाई, मैंने तो बोला था बहुत सारे दे रखे हैं, अभी तो एक ही अंडा दिखा है मेरे को। इनको यार मेरे को है ना बाहर नहीं छोड़ना, एक अंडा यहाँ पे भी मिल जाता है। ओके, और देख लेते हैं, और अंडे पता नहीं यार कहाँ पे है, दिख ही नहीं रहे। और देखो यार, दोबारा से बारिश शुरू हो गई। तो चलो यार, मैंने सच्ची यार एक और बात बताना भूल गया मैं आपको, जो अपना कंपोस्टर है ना, मैं पिछली वीडियो में लेके आया था, उसके अंदर अपने को है ना कोई भी जानवर हो, उसकी अपने को टट्टी डालनी पड़ेगी, तभी वो उसके अंदर फर्टिलाइजर बना पाएगा। क्योंकि जो कंपोस्टर है ना, इसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो वो उसको गड़ा सड़ा के उसकी खाद बना देगा। ओ भाई साहब, वाटरमेलन देखो हमारा कितना बड़ा हो चुका है, मस्त है भाई मस्त। ठीक है, एक बार अंदर चल। अरे भाई बाहर मत जाना तू, मेरी माँ, बंद हो जा भाई, बंद हो जा भाई, क्या करूँ कैसे जाऊँ अंदर, एक मिनट रुको। ये देखो यहाँ पे है ना, इन्होंने इतनी सारी टट्टी कर दी है। ओके, और देखना भाई कितनी गंदगी मचा दी इन लोगों ने। ठीक है, तो अभी है ना कंपोस्टर शायद अभी काम करेगा अपना। तो मैं एक बार ये वाला गेट ओपन करके, और ये वाला जो वाटरमेलन देखना भाई कितना जल्दी हमारा बड़ा भी हो गया। ओके, यहाँ पे चल के है ना इस वाले से मैं शायद इसको
ई टू पुट इन कर देता हूँ। सारा का सारा जो भी टट्टी वाला मटेरियल होगा ना, वो सारा का सारा हमें ना कंपोस्टर में डालना है। उसके बाद हमारे कंपोस्टर में खाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखो भाई, इसके अंदर खाद बढ़ना शुरू हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी बीट वगैरह होगी मुर्गियों की या बकरियों की सारी अपने को कंपोस्टर में डालनी है, उसके बाद हमको खाद मिल जाएगी फ्री। ठीक है, तो हमारा वाटरमेलन काफी बड़ा हो चुका है और इसको है ना इसे हम हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। भाई कितना आसान है यार खेती करना। और दोबारा से इसके अंदर ऑटोमेटिक लग भी गया एक और वाटरमेलन, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। खेती में मेरे को लग रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हमको मिल सकता है। एक बार इस तरबूज को यहाँ पे रख देते हैं और वीडियो का हम कर लेते हैं एंड, क्योंकि अपनी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो आज की गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।